मेरी कालिंदी मौसी। मौसी ये हैं निमो के पापा, ये हैं वल्लभ काका। नमस्कार। ये हैं केतकी काकी। केतकी। और ये निमो की मम्मी। और ये हमारी कांता मौसी। नमस्ते। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए ना अंदर आइए। आइए आइए आइए। बैठिए ना कालिंदी। निमो दिखाई नहीं दे रही है। हाँ बस आती होगी। ये देखिए आ गई निम्मो। बेटा निम्मो इनसे मिलो, ये है पलाश की मौसी। भाई बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारी पलाश से। वाकई में जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत निकली निम्मो। तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अब पता चला क्यों पलाश इतना चहका करता था। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ। दरअसल पलाश को मैंने ही संभाला था। बस यूं समझ लीजिए हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। इतनी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे पलाश ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। आज इसे देखकर लगता ही नहीं कि इसने इतने इतने मुश्किलों वाले दिन देखे होंगे। बहुत ही शरीफ, बहुत ही ईमानदार लड़का है। नहीं वो तो है ही, तभी तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा है वो। तभी तो कालिंदी जी, जब इन दोनों ने हमें शादी की बात की तो हाँ कहने से पहले हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और सच कहो तो ऐसे लड़के आजकल ढूंढने पर भी नहीं मिलते। जी हाँ, बहुत किस्मत से मिलते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना डिमांड में। अच्छा, और अगर पता होता तो तुम्हारी क्या डिमांड होती है। पलाश अब जाके हम थोड़ी सी खरीदी कर लेंगे। भाई शादी सादगी से करने का मतलब ये तो नहीं ना कि हम बहू को कुछ भी पहनाएंगे। पता चला बाद में बहू हमें ताना दे रही है। अच्छा ये पल्लू है केतकी, ये साड़ी कैसी लग रही है? हाँ कलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाभी मुझे ये पल्लू ज्यादा अच्छा लगा। देखो डिजाइन भी है, ये निम्मो पे बहुत जचेगी ना। हाँ हाँ। और शादी की चुन्नी तो हम ही देंगे ना। नहीं नहीं देंगे आप ही मासी जी, लेकिन ढूंढेंगे हम ना। मासी मैं भी आता हूँ। अरे पलाश तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए भी तो कुछ खरीदना है ना। क्यों पलाश कुमार, खर्चे की बात आ गई तो भागने लगे हाँ। अरे काकी ये साड़ी की शॉपिंग का मुझे एबीसी भी नहीं मालूम, कलर डिजाइन फील। ओ अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा निम्मो का। चुन्नी खरीदते हैं पहले। चुन्नी दिखाओ ना। देख रही होगी निम्मो, जरा ये तुम ट्राई करके तो आओ, देखे तो कैसा लगेगा। एक और कोई अच्छी साड़ी हो तो। नहीं पहले चुन्नी देखते हैं। कुणाल, कुणाल ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम क्या चाहते हो कुणाल? क्या चाहता हूँ? तुम्हारे एक फैसले ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। और तुम पूछ रही हो मैं क्या चाहता हूँ? अब तुम देखना मैं तुम्हारी जिंदगी की दिशा कैसे बदलता हूँ। कुणाल चाहता कि तुम मुझे भूल जाओ। कुणाल हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। मेरी शादी हो रही है कुणाल। शादी हो रही है? झूठ मूठ की शादी? अगर तुम्हें यह झूठ लगता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेरे प्यार को लेकर मेरी कोई गलतफहमी नहीं है नुमा। याद है
मुझे छोड़ो कुणाल। कुणाल, अगर तुम अभी बाहर नहीं निकले तो मैं सच कहती हूँ, मैं जोर से चिल्लाऊंगी, मैं चीखूंगी कुणाल। चिल्लाओगी, चीखोगी? प्लीज वुड डू इट, मैं भी तो यही चाहता हूँ। बाहर जाकर सबको बता दो कि सच्चाई क्या है, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और ये शादी कितनी झूठी है। जाओ देखो प्लीज। तुमने क्या सोचा था, सबके सामने मेरे प्यार को ठुकरा कर मेरे प्यार का मजाक उड़ाओगे? कुणाल ये सच नहीं है। सोते जागते तुमने मुझसे प्यार करने के अलावा क्या किया? देखो ना, ये सच तुम्हारा पीछा छोड़ेगा और ना ही ये कुणाल। एक शर्त पर, बाहर जाकर सबको सच्चाई बता दो, बता दो तुम्हारी शादी छोटी है। अरे निम्मा, इतनी देर क्यों लग रही तुम्हें? मासी आप जाइए, मैं अभी आई। अच्छा ठीक है, तो हम लोग काउंटर पे है, तुम आ जाना ठीक है? मुझे जाने दो, मेरे पास एक ही रास्ता है। सबको जाकर बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, वरना ऐसे ही साए की तरह मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करती। आइए कालिंदर जी। बैठिए बैठिए। पूरण पोली बहुत ही अच्छी थी। वो मौसी को मीठी चीजों का बहुत शौक है। अरे वो तो निम्मो ने खुद बनाई। अरे बाप रे, फिर तो मुझे खास ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो निम्मो के हाथ की पूरण पोली खा खा के मैं मोटी हो जाऊं। नहीं नहीं, आपको कैसे कुछ हो सकता है, आप इतनी तीर्थ यात्रा जो करती है। मैं क्या कह रहा था, एकाध यात्रा पर केतकी को भी साथ ले जाइए ना। हाँ। क्या है कि पैदल चलेगी तो थोड़ी फिट भी रहेगी। मतलब तुमसे तो फिट हूँ मैं। मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। मैंने अपने पंडित जी से बात की थी शादी के मुहूर्त के लिए। उन्होंने मुझसे कहा है कि इन 7 दिनों में सिर्फ 2 ही दिन शुभ है शादी के लिए, एक शुक्रवार जो 5 दिन के बाद है और दूसरा सोमवार है। अब आप लोग तय कर लीजिए आप लोग को किस दिन शादी करनी है। लेकिन कल तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वो तो है, लेकिन अभी आप हो लड़के वाले तो आप ही बताइए आपकी मर्जी क्या है। मैं तो यही कहूंगी, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों निम्मो? काकी मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो निम्मो। कुणाल तुम? तुम्हें क्या सोचा, इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगी मुझसे? आज तो लक ने तुम्हारा साथ दे दिया निम्मो। कब तक बचती रहोगी तुम? एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद क्या? कुणाल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है कुणाल? क्या हो गया मुझे? मुझे धोखा देती हो और पूछती हो क्या हो गया मुझे? मेरा दिल तोड़ देती हो और पूछती हो क्या हो गया मुझे? कुणाल तुम पागल हो गए, बिल्कुल पागल। ये शादी रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब तो सिर्फ मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तुम्हारे घर में भी घुस सकता हूँ। किसका फोन था बेटे? पापा वो, हाँ ऑफिस से फोन आया था। निम्मू बेटा। हाँ काका। निम्मू तुम्हारी शादी की तारीख तय करनी है, अब तुम ही बताओ। आधे लोग कह रहे हैं शुक्रवार को करेंगे, आधे लोग कह रहे हैं सोमवार को करेंगे, तुम वोट डाल दो फैसला हो जाएगा। हाँ निम्मू तुम ही बताओ कब शादी करना चाहती हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारी और पलाश की शादी एक झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम ये सब कर रही हो क्योंकि तुम मेरी शादी बचाने की कोशिश कर रही हो।
मैं तुम्हारे प्यार को कभी भुला नहीं पाऊंगा और तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ जाओगी। मैं 5 दिन बाद या कल? कल। लेकिन अरे वाह, निम्मो ने तो हमारे हक में फैसला किया। आखिर हमारी होने वाली बहू जो है, अब होने वाली बहू को पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा ना? हाँ हाँ, लेकिन शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी तो घर वालों की ही होती है ना। निम्मो, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी जल्दी है शादी की। क्यों पलाश कुमार? हाँ, शादी जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी कुणाल को समझ आ जाएगा कि मैं अपने फैसले को लेकर कितनी सीरियस हूँ। कुणाल दफ्तर से आया या नहीं अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं आया। आजकल तो वो लेट ही आता है। हेलो। हेलो, मैं आनंद बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस सब ठीक है। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि कल निम्मो की शादी है। क्या? हाँ, अब सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं आपको बता नहीं सका और इनविटेशन कार्ड छपवाने का भी वक्त नहीं रहा। कल शिव मंदिर में निम्मो की शादी है और आप सब वहाँ पर आके निम्मो को आशीर्वाद देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें भी, हम ज़रूर आएंगे। लेकिन कुणाल के दादा दिल्ली जा रहे हैं, उनके एक रिश्तेदार की तबीयत बहुत ख़राब है तो उनका आना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग ज़रूर आएंगे। जी अच्छी बात है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। क्या बात है मम्मी जी, आप इतना परेशान लग रही है, किसका फोन था? आनंद जी का फोन था। निम्मो की शादी है कल। क्या इस तरह अचानक? हाँ, पता नहीं क्या हुआ लेकिन शादी कल है और हमें जरूर जाना होगा। क्या हम कुणाल को इस बारे में बताएंगे? पहले से ही परेशान है और उसे ये बता के और परेशान करने में क्या मतलब? शादी के बाद तो उसे पता चल ही जाएगा। क्या बात है पापा, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। बस यूं ही बेटे, मैं कल के बारे में सोच रहा था कि सब कुछ ठीक तो होगा ना। हाँ पापा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वैसे भी ज्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं। अभी तक जितना सब कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पापा। क्या है बेटे कि जब बेटी की शादी होती है ना तो कोई भी बाप थोड़ा सा हिल जाता है। एक चिंता लगी रहती है कि सब कुछ ठीक तो होगा ना। हाँ पापा, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, मैं भी अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और सच कहता हूँ बेटे, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ये पलाश जैसा लड़का मिला। इस बात को लेकर मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक मन उदास हो जाता है बेटे, ये सोचकर कि कल से तुम यहां हमारे साथ नहीं रहोगी, दूर चली जाओगी, वो भी अचानक कैसे इतनी जल्दी। तुम्हारे जाने से पहले हमें अपने आप को समझाने का मौका भी नहीं मिला। क्या है निम्मो के तुम्हारे बगैर इस घर में रहने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ना। बेटी कितना भी साथ रहे लेकिन जब वो शादी करके जाने लगती है तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन और रह पाती तो अच्छा होता।
जाओ जाओ बेटे, काफी देर हो चुकी है, कल सुबह जल्दी उठना है। सुबह 4:30 बजे मंदिर पहुंचना है। जाओ जाके सो जाओ। नताशा, तुमने कुछ सुना? मैं तो सुन के हैरानी रह गई कि निम्मो पलाश से कली शादी कर रही है। तुम शादी में जाओगी? नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैंने तो सोच लिया है, मैं शादी पे नहीं जाऊंगी। मम्मी जी अब चाहे उस निम्मो को कितना भी पसंद करते हो, वो हमेशा इस घर में परेशानी लेकर आई है ना? क्या कुणाल ये बात जानता है? नहीं, कुणाल तो नहीं जानता, और मुझे नहीं लगता उसे बताना चाहिए। मम्मी जी सही कह रहे कि आजकल वो ना परेशान बहुत रहता है, तो उसे नहीं बताना चाहिए। वैसे भी उसे सुनकर बहुत धक्का लगेगा कि निम्मो पलाश से शादी कर रही है और उसे इतनी जल्दी है कि कल ही फेरे ले रही है। क्या मैं क्या किया आंटी? वो ऑलरेडी गुस्से में है, पता नहीं क्या कर बैठेगा। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हो गया ना। अगर कुणाल को निम्मो पर गुस्सा आएगा तो तुम्हें कुणाल को काबू करना और भी आसान हो जाएगा। आखिर रोने के लिए वो तुम्हारे कंधे पर ही तो आएगा ना। तुमसे अकेले में बात करने का मौका मिलेगा मुझे। अकेले में? लेकिन सब लोग मंदिर गए होंगे, तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। अब देखता हूँ तुम मंडप तक कैसे पहुंचती हो। कुणाल, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। कुणाल, कौन रोकेगा मुझे? पलाश, चुप करियो सनम। कुणाल, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी छोटी शादी रखने का यही तरीका है। कुणाल,